जय गुरु जी। क्या अक्सर आपको बुरे सपने आते हैं? बुरे सपने देख के अक्सर डर के उठ जाते हैं। क्या है इन सपनों का राज? कहीं ये हमारे आने वाले बुरे वक्त का संकेत तो नहीं दे रहे हैं? यही सब रहस्य को आज हम डिकोड करेंगे, जानेंगे क्या होता है बुरे सपनों का मतलब और क्यों हमें ये बुरे सपने आते हैं। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा सो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे जिनको इसकी जरूरत हो। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसमें योगदान दें और इसे शेयर करें। सो आइए अब हम जानते हैं। अचानक सोने तो गए हैं, सो पा रहे हैं, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं और ये अक्सर हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें ड्रीम्स में हमारे पितृ दिखे और पितृ कुछ दे रहे हैं, इसका क्या संकेत है और क्यों ये ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं? या बहुत लोगों को सर्प दिखते हैं ड्रीम्स में, दे फील कि दे आर सराउंडेड बाय स्नेक्स और अचानक वो उठ जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वो असलियत नहीं था, वो सपना था। तो क्यों होता है ये सब, क्या रीज़न है? कुंडली से इसका कोई कनेक्शन है या वास्तु से कोई कनेक्शन है? चलिए अब हम इसे डिकोड करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने स्लीपिंग हेड पोजीशन को चेक करना चाहिए। अब घर के वास्तु में आप पोजीशंस कैसे डिसाइड करेंगे? टेक अ कंपस, यू कैन ऑल्सो यूज योर मोबाइल कंपस। घर के सेंटर में आपको खड़े होना है एंड फेस टूवर्ड्स द मेन डोर। फिर आप देखिए कंपस में क्या डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। देन चेक योर बेड, बेड का जो हेड रेस्ट है कहीं वो हेड रेस्ट नॉर्थ पोजीशन पे तो नहीं आ रहा है, या नॉर्थ पोजीशन में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में आ रहा है। तो भी अगर आप सर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के तरफ रख के सोते हैं तो देर आर ग्रेट चांसेस दैट यू विल गेट बैड ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि ये जो पोल है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड कर देता है तो बुरे सपने आते हैं। प्लस इट कैन ऑल्सो क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस इन यू। और अगर लगातार आपने अपना हेड नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे ही है तो देन देर आर ग्रेट चांसेस दैट यू कैन फेस ब्लड रिलेटेड इश्यूज एज वेल। सो दिस इज ऑलमोस्ट अ डेंजरस पोजीशन आई वुड से टू स्लीप। सो कभी भी सोते वक्त अपना सर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो अब सोने के लिए चैन की नींद जो होती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। यस, किसी किसी को हंसी आती होगी इस बात पे कि नींद कैसे ब्लेसिंग हो सकती है। आप उनसे पूछिए जिन्हें स्लीपलेसनेस होता है, इनसोमिया होता है, रात रात भर वो जागते रहते हैं और घड़ी देखते रहते हैं कि कब सुबह हो जाए। सो एंड दिस गिव्स देम फुल ड्रेनेज ऑफ एनर्जी। सुबह उठने के बाद भी ऐसे फील होता है जैसे एनर्जी ही नहीं है। इंसान बिना खाने के, बिना पानी के भी रह सकता है 24 to 48 hours, बट किसी भी इंसान को लगातार आप 3 दिन से ज़्यादा नींद नहीं दे दीजिए उस इंसान को और आप देखिए उसका परफॉर्मेंस, ही वुड बी ऑलमोस्ट 80% डेड। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। अब स्लीप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोजिशंस या अच्छे पोजिशंस कौन से होते हैं? सी टू दैट आपका हेड साउथ डायरेक्शन में हो। दिस विल गिव यू पीस ऑफ माइंड, कामनेस एंड स्लीप। अगर साउथ डायरेक्शन में हेड पोजिशन पॉसिबल नहीं है तो देन द नेक्स्ट डायरेक्शन वुड बी ईस्ट या इवन वेस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो ओके। सो इन 3 डायरेक्शन पे ही आप अपना हेड पोजिशन रखिए वाइल स्लीपिंग एंड देन यू सी कि बैड ड्रीम्स अपने आप नहीं आएंगे। वन मोर थिंग, कभी भी आप सोते हैं तो कोशिश करिए आपका जो कॉट है वो कभी बीम के नीचे नहीं आने चाहिए। जैसे अभी तो फ्लैट सिस्टम है तो देर इज़ नो चांसेस ऑफ हैविंग द बीम्स, बट पुराने घर अगर आप देखते हैं, हमारे जैसे दादा दानी के घर, तो उसमें बड़े बड़े बीम्स जाते थे एंड अक्सर पीपल यूज टू स्लीप बिलो दोस बीम्स। तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए, आपके बेड के ऊपर बीम नहीं होने चाहिए। अगर नहीं अवॉइड कर सकते, देर आर रेमेडीज टू दैट, बट बेस्ट वुड बी इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रेमेडी
सी टू दैट बेड बीम के नीचे नहीं हो। देन अगर आपको सपनों में पितर दिखते हैं और पितर आपको कुछ दे रहे हैं या आपके घर के पूर्वज कुछ दे रहे हैं, दैट मीन्स आपके घर के पितर जो है वो याद कर रहे हैं। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो क्या होता है, जब भी हम पे एक कोई संकट आने वाली होती है या कोई विपदा आने वाली होती है तो हमारे पितृजन जो हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं और बहुत बार वो हमारे ड्रीम्स में आके हमें संकेत देते हैं कि ये होने वाला है या ये तुम्हें करना चाहिए। सो ट्राई टू गेट व्हाट मैसेज दे वांट टू कन्वे टू यू और अकॉर्डिंगली आप करिए। एंड अब पितृपक्ष आने वाला है, क्या होता है अक्सर हम पितरों को भूल जाते हैं और कभी भी लाइफ में सक्सेस पाना है तो पितरों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। तो पितृपक्ष में आप लगातार पितरों को भोग चढ़ाइए, जल अर्पित करिए, उनको याद करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। दिस विल गिव यू इमेंस सक्सेस इन लाइफ। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अपने बैड ड्रीम से निजात पाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। गुड लक एंड गुड बाय।